तो हेलो मेरे भाइयों और प्यारी प्यारी लड़कियों, कैसे हो? स्वागत है सभी का, वेलकम दी बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें अपन इस वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जो कि क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल चैनल पे कल अपने को देखने को मिली थी। एंड इस वाले वीडियो में हमारे डैरेन चचा ने बिल्डर बेस के कुछ न्यू फीचर्स, न्यू ऑटोबॉट एंड क्लैशी एआई के बारे में बात करी है। तो गाइस देखो, जैसा कि ये वीडियो क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल चैनल पे कल यानी कि 1 अप्रैल को ड्रॉप हुआ था, एंड 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है, हम सभी जानते हैं। और भाई साहब, इसी वजह से काफी लोगों का ये कहना है कि क्लैश ऑफ क्लैंस एंड डैरेन चचा ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो गाइस, इस वाले वीडियो में डैरेन चचा ने जिन भी फीचर्स के बारे में बात करी है, ऑटोबॉट के बारे में बात करी है, वो एक्चुअली में हमारे गेम में आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, एंड 7th बिल्डर का क्या सीन है, ये सारी बातें जो है ना, ये सारे डाउट्स आप सभी के मैं क्लियर कर दूंगा आज की इस वाले वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर कोई चैनल पर नहीं हो, मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 30 के अपने को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे आ रहा है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे बर्थडे के पहले 30 के हमारे हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइक बढ़िया सा गिव अवे प्लान करूंगा, ठीक है? तो फटाफट यार सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई न्यू हो। बाकी फिलहाल अभी आज की इस वाले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी तरीके। चलो भाई, तो गाइज अभी अगर करेंटली हमारे गेम में देखे, हमारे बिल्डर बेस में देखे, तो ऑटो हट है, ऑटो बॉट नहीं है। एंड कल की वीडियो में ऑटो बॉट के बारे में डैरेन चचा ने बात करी, उन्होंने बताया कि ये जो ऑटो बॉट होगा ये एक ऑटोमेटेड बिल्डर होगा जो आपके बेस का फुल कंट्रोल लेगा, बोले तो आपके बेस डिजाइन करेगा, आपके बिल्डिंग्स को अपग्रेड करेगा, आपके अटैक्स करेगा, मतलब कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपका ये ऑटो बॉट करेगा। अब यार ये सुन के ही बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि अगर सारा काम हमारा ऑटोमेटेड बिल्डर ही करेगा तो भाई साहब हम लोग क्या ही करेंगे, खेलने का क्या ही मतलब रह जाएगा। तो हाँ भाई साहब, ऑटोबॉट तो कतई नहीं आने वाला हमारे गेम में, लेकिन अभी आप लोग ये भी सोचोगे कि क्या हमारे गेम में हमें 7th बिल्डर देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। तो यार देखो, 7th बिल्डर तो बिल्कुल से मिलेगा हमारे गेम में हमें देखने को, बिल्डर हॉल 10 अपडेट के साथ ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार देखो बिल्डर हॉल 10 आएगा तो यार बहुत सारे नए बिल्डिंग्स आएंगे, एंड उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा बिल्डर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 7th बिल्डर हमारे गेम में जरूर से आएगा, लेकिन वो बिल्डर ऑटोमेटेड बिल्डर नहीं रहेगा, उसका फुल कंट्रोल अपने पास रहेगा। एंड 7th बिल्डर का एक मेजर हिंट हमें वॉरियर वार्डन वाले इस वीडियो में हमें देखने को मिल चुका था लगभग 1 साल पहले, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने को 2 मास्टर बिल्डर्स हर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है यार, 7th बिल्डर जरूर से आएगा हमारे गेम में, लेकिन वो एक ऑटोमेटेड बिल्डर नहीं रहेगा, वो हमारा फुल कंट्रोल में रहेगा, ठीक है? हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे, ना कि वो हमारे बेस पे फुल कंट्रोल ले लेगा। अभी गाइस बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारा जो बिल्डर बेस है ना, ये एक नाइट विलेज है, एंड डैरेन चचा का कहना है कि आने वाले अपडेट में वो लोग एक ऐसा फीचर ऐड करेंगे जिससे कि यार अगर हेलसिंकी फिनलैंड में दिन हो रहा है ना, तो हमारे बिल्डर बेस में भी दिन होगा, एंड हेलसिंकी फिनलैंड में अगर रात हो रही है तो भाई साहब हमारे बिल्डर बेस में भी रात होगा। तो ऐसा अगर कोई फीचर आएगा तो भाई मेरे को तो नहीं जमेगा, क्योंकि यार बिल्डर बेस का जो हमारा रंग रूप है वो उनके हिसाब से अगर बदलेगा तो ये मेरे को नहीं जमने वाला। बाकी जहां तक अगर मेरा ओपिनियन है, ये फीचर ऐड होगा या फिर नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है, मतलब ये फीचर अगर ऐड होगा गेम में तो आप लोगों को जमेगा या फिर नहीं जमेगा? मुझे जहां तक लगता है आप लोग को भी नहीं जमेगा। जो भी है यार, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बता देना। फिलहाल हम लोग बात करेंगे अपने वीडियो के थर्ड टॉपिक की, जो कि है बिल्डर बेस वॉल्स। अभी अगर करेंटली देखा जाए, हमारे गेम में ना 5 वॉल्स मिलके एक बिल्डर बेस का वॉल को बनाते हैं, ठीक है? हमारे होम विलेज जैसा नहीं कि हर एक वॉल अलग अलग है, यहाँ पे 5 वॉल मिलके एक वॉल को बनाते हैं। एंड डैरेन चचा का लेटेस्ट वीडियो में ये कहना है कि आने वाले टाइम में 10 वॉल्स मिलके एक वॉल को बनाएंगे। तो भाई साहब अगर ऐसा होता है ना, तो आप लोग खुद सोचो यार, बेस डिजाइन करना कितना मुश्किल हो जाएगा, एंड जैसा हम लोग अभी बना पाते हैं बेसेस ना, वैसा आने वाले टाइम में बना ही नहीं पाएंगे बेसेस। तो जहां तक मुझे लगता है ये भी हमारे गेम में ऐड नहीं होने वाला है। तो जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक्स कवर करे हैं, जहां तक मुझे लगता है, एंड आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि अभी तक तो क्लैश ऑफ क्लैंस ने हमारा चोमू ही बनाया है लास्ट वीडियो में। बाकी एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि है क्लैशी एआई का। क्लैशी एआई को आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारे आईफोन में सीरी होती है, वैसे ही हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस गेम में ये सीरी है, समझ रहे हो? मतलब कि जो भी आप इसको कमांड दोगे ना, ये उसको पूरा करेगी। लाइक आप बोलोगे क्लैन लीव करने है, तो वो आपके अकाउंट को क्लैन लीव करवा देगी। अगर आप बोलोगे उसे लाइक किसी को किक कर दो, एंड अगर आपको लीडर या लीडर हो तो वो उस अकाउंट को किक कर देगी, ठीक है? मतलब आपको बस कमांड देना एंड उसको पूरा करेगी। तो गाइस क्लैशी एआई को लेकर के डैरेन चचा का यही कहना था कि क्लैशी एआई में अभी बहुत सारे काम करने बाकी है, बट फ्यूचर में प्रोबेबली ऐड हो सकता है। लेकिन यहां पे मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा।
कि हमारे गेम में अभी तक वॉइस चैट फीचर ऐड नहीं हुआ है, तो वॉइस कमांड फीचर क्या घंटे ही ऐड होगा। तो अभी तक देखो लास्ट वीडियो में ना चार टॉपिक्स कवर करे गए थे एंड उन चारों टॉपिक्स को मैंने आज की अपने इस वाले वीडियो में कवर करा एंड इससे अपने को यही पता चलता है कि चारों के चारों टॉपिक्स जो थे वो रद्दी टॉपिक्स थे एंड क्लैश ऑफ क्लैंस बस हमारा अप्रैल फूल ही बना रहे थे, ठीक है। लेकिन कल की वीडियो से बस एक ही हिंट हमें ये मालूम चलता है कि हमारे गेम में सेवंथ बिल्डर आएगा, ठीक है। एंड सेवंथ बिल्डर का मैंने आप लोग को मेजर हिंट भी एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो होप्स यार आज की ये वीडियो यहीं तक रहनी चाहिए एंड होप्स आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड अगर आप लोग भी मेरे साथ अग्री करते हो तो ज़रूर से यार एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करें, बिना कतई कल्टी मत हो जाना भाई साहब, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड पीस आउट। Take care of my heart.